जिला ऊना के उपमंडल गगरेट के तहत पड़ती ग्राम पंचायत चलेट की प्रधान कमलेश कुमारी गांव में चल रहे रास्ता निर्माण के बीच विरोध उत्पन्न होने के चलते कार्यस्थल पर ही दिन रात धरने पर बैठ गई हैं। प्रधान का कहना है कि वह पिछले एक वर्ष से रास्ते के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रही हैं, परंतु गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा रास्ते के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। पंचायत प्रधान का कहना है कि वह शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुकी हैं, परंतु उनकी समस्या हल नहीं हो रही है। पंचायत प्रधान का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी है और शनिवार को पुनः रास्ते का काम शुरू करने से पहले उन्होंने डीसी, एसपी, एसडीएम, बीडीओ तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सूचित किया था और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा रास्ता निर्माण में सुरक्षा मांगी थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा रास्ते का काम शुरू किया तो वहां पर कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं आया, जबकि विरोध करने वाले वहां पर उनके समक्ष धरने पर बैठे रहे। वहीं पंचायत प्रधान का आरोप है कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित किया गया था तो विरोध करने वाले लोगों ने सड़क पर जा रहे निर्माण सामग्री के टैंकरों को क्यों रोका। धरने पर बैठी पंचायत प्रधान ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन के भीतर किसी ने भी सुनवाई नहीं की तो वह सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के आगे धरने पर बैठेंगी। सर, अब इन्होंने आज जो हमने एम्बुलेंस रोड शल्यदेव की वादी से लिंक रोड तक के लिए जो ट्रालियां मंगवाई हमने सामान की, तो जो असामाजिक तत्व आज भी उन्होंने वही कार्रवाई की जो इन्होंने पहले 16/7 को की थी। तो अब जो ये रोक रहे हैं ट्रालियां, इसके बाद मैं अब यहीं धरने पर बैठ रही हूँ। अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ, सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ये किस पीडब्ल्यूडी रोड पर किस हैसियत से ट्रालियां रोक रहे हैं। अब यहाँ धरने के बाद दो दिन में यहाँ बैठूंगी धरने पर, इसके बाद मैं डीसी ऑफिस के बाहर मंडे को बैठ जाऊंगी। मैंने तो संघर्ष करना है, क्योंकि मैं उस वंशज से हूँ जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। जीते मेरा संघर्ष है, मेरी कोशिश है, वो मैं करती रहूंगी। जो लोग रास्ता इस वक्त रोक रहे हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं हमारे लिए। अब मायने ये बात रखती कि पीडब्ल्यूडी रोड पर किस हैसियत से रोका जा रहा है। तो आपने क्या पीडब्ल्यूडी ऑफिस को अभी नोटिस निकाला है? मैंने एसडीओ साहब को इंटीमेशन किया हुआ है और उनकी रिसीविंग मेरे पास है। वो कहते कि हम देखेंगे मौका, कोई नहीं आया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि गांव चलेट के जो गांववासी हैं वो भी प्रधान के साथ ही धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, खिलाफ बैठे हुए हैं, और इनका ये कहना कि हम भी रास्ते को बनने नहीं देंगे जब तक कि इसका डिमार्केशन नहीं हो जाता है। तो ये हमारे साथ हैं विजय कुमार जी, बलदेव सिंह जी। तो बलदेव सिंह जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? इस मामले में हमारा कहना ये है कि इसने जो है पहले तरसेम लाल के घर से लिंक रोड तक रास्ते व पुलिया के निर्माण के लिए पैसा इसने सेंक्शन किया। उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने जो है बीडीओ को एप्लीकेशन दिया कि ये मेरी जमीन में बन रहा है, बना रही है पुलिया, और इसको जो है बंद किया जाए। उसने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। फिर इसी दौरान जो है 3/11/2019 को जनमंच दौलतपुर चौक में था, तो उस टाइम हमने जो मुद्दा जो है दौलतपुर चौक जनमंच में उठाया कि हमारा दलित बस्ती का रास्ता जो है इस पुलिया के बनने से बंद हो जाएगा और इसका जो काम बंद किया जाए। उसके बाद जो जनमंच अधिकारी था वो था विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि तहसीलदार और बीडीओ मौका देखेंगे, मौका देखने के बाद वो देखेंगे कि अगर रास्ता पुश्तैनी रास्ता बंद होता है पुलिया बनने से तो पुलिया नहीं बनाई जाएगी। उसके बाद 23/01/2020 को तहसीलदार महोदय मौके पर आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने क्लियर लिखा कि ये पुलिया बनने से रास्ता बंद हो जाएगा और इसको पुलिया को ना बनाया जाए। उसके बाद फिर भी ये जो है इसने जो है काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया, उसमें भी जो है मोहल्ले वालों ने बंद करवाया और पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने के सामने ही वो नींव बंद कर दी। उसके बाद फिर इसने जो है 22/2 को फिर जबरदस्ती जो है ये काम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पुलिस आई तो पुलिस को हमने बताया कि ये स्टे है, स्टे की कॉपी पुलिस को दी और पुलिस वालों ने इसको बंद करवाया और इनको बेच दिया। उसके बाद अभी ये फिर 16/7 को फिर ट्रैक्टर ट्राली भर के ले आई और कहती जी मैं तो बनाऊंगी, मैं नहीं मानती ऑर्डर। इसके कोर्ट केस चल रखे हैं, 6-7 कोर्ट केस हैं और ये कहती है कोई नहीं है और हमारे पास सबूत है और हम वो दिखाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आज फिर ये जो जाए
और कहती है कि मैंने धरने पर बैठूंगी, ये है वो, डीसी को इसने ज्ञापन दिया, कोई कहीं, तो इसने आज फिर ये पंगा किया और वीडियो ने जो है मना कर रखा कि जब तक ये कोर्ट केस हल नहीं होते तब तक ये जो है वो नहीं बनेगा। उसका एसडीएम ने मौका देखा, एसडीएम ने मौका देखा 24/2/2020 को, और उसने पूरा घूम के देखा, उसने लिखा है कि ये जो रास्ता सिर्फ पंचायत प्रधान के बेनिफिट में है, उसके बाद और किसी को भी बेनिफिट नहीं है उसका। और इसका घर जो है वो चारों तरफ दीवार से गिरा हुआ है, गेट के अंदर है। तो ये जो है प्रशासन को गुमराह करके जो है और वो करती है और हमें गुंडा तत्व कहती है। उन्नत से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता कपिल सूद की विशेष कवरेज।